नमस्कार प्राइम डिबेट को स्वागत। प्रधानमंत्री ओडिशा को नहीं मंतव्य एवं ताकु नहीं ओडिशा रे राजनैतिक पाला थमिबार ना धरुना गृह बारंबार अचल होनेक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग आलोचना हो पारना राज्यवासी स्वार्थ एटी पछरे पड़ी सबु दल निज निज जिद्रे अचल शासक दल सह स्वर मिलाई कांग्रेस बीजेपी तार विरोध जारी रखी क्षमा प्रार्थना बीजेपी जिद्रे अचल तो विधानसभा अचल सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा हूँ गोटे पटे ओडिशा विरोधी मंतव्य को लेकिन विरोध किंतु राज्यवासी स्वार्थ बळी पड़ू तो ओडिशा विरोधी किए प्रसंगे आज प्राइम डिबेट किसी प्रश्न ये सामना को आसुची आज डिबेट जो पर आम आलोचना करने को जीवा जे एटी प्रधानमंत्री मंतव्य को विरोध कराक नहीं गृह लगातार भाव में अचल अच्छी विजु जनता दल तो विरोध करुच्छी शासक विजु जनता दल जे किए प्रसंग उठाइला गांधी मूर्ति तले धारण में बसते दलर विधायक मैंने परवर्त समय कांग्रेस जोड़ी हो आपत्तिजनक शब्द प्रयोग करके दुख प्रकाश करा सत्वे विधानसभा जो ताती थिला से विधानसभा ताती थमिबार ना धरुनी गृह अचल होउछि कांग्रेस सामिल होइछि निंदा प्रस्ताव आणिबा को कांग्रेस वर्तमान दाबी करुछि अनेक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग कथा विरोधी मुख्य विरोध दल कांग्रेस कहुतला विधानसभा सत्र पूर्वरु आमे उठेबु पाणी प्रसंग उठेबु आमे आईन श्रृंखला परिस्थिति कथा उठेबु एवं मुलतवी प्रस्ताव आणिबा कथा कुहा जाइथिला निर्वाचन हिंसा को लेकिन वर्तमान सब प्रसंग कुआडे धोईगला वर्तमान प्रधानमंत्री मंतव्य मुख्य प्रसंग साजिश विधानसभा शेष हो पुणी ब्रेक जीव पुणी तापर आरंभ हम कि भितर अनेक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग जहां उठे विरोधी दल कहते सेगुड़ी उठी पारना बीजेपी निज जिद्रे अटल क्षमा प्रार्थना कराऊ से बीजेडी विधायक मैंने जो मैंने कि यह मंतव्य देते सीए दुख प्रकाश कर सारी तो कथा होची ओडिशा विरोधी ताले किए बदलुची कि ए घटना पर कहु कि राज्य में गोटे राजनैतिक समीकरण बदलुची कि प्रधानमंत्री मंतव्य विरोध में कांग्रेस और बीजेडी एकाठी होती कि ये राज्य स्वार्थ में ए प्रकार विरोध चली राजनैतिक उद्देश्य रही पंचायत निर्वाचन में बीजेपी उत्थान पर बीजेपी को कांग्रेस विरोध करने ये आरंभ हो प्रथम थर पर बीजेडी को छाड़ बीजेपी को टार्गेट करुच्छी कांग्रेस एक देखा मिलू तो बदलू कि राज्य में राजनैतिक समीकरण ए प्रधानमंत्री मंतव्य इश्यू को लेकिन ए प्रसंगे डिबेट आम सहित पैनल अच्छा महेश साहू विजु जनता दल वरिष्ठ विधायक आम सहित अच्छा प्रदीप पुरोहित भारतीय जनता पार्टी विधायक और फोन लाइन आम सहित जोड़ी होती गणेश्वर बेहरा कांग्रेस मुखपात्र आपण समस्त को स्वागत करुच्छे महेश बाबू दुख प्रकाश शेष कले आप मंतव्य को लेकिन सीत महेश साहू दुख प्रकाश करिवार यथार्थता ये थिला मु प्रारंभर स्पष्ट करी जे मु व्यक्ति को विरोध करे ना वक्तव्य को विरोध करे राज्यर स्वार्थ विरोधी मंतव्य देथिबा दृष्टिकोण रु मु एभली मंतव्य प्रासंगिक क्रमे प्रकाश करी परवर्ती समय बीजेपी बंधु माने जेतेबेले एक कथा को उल्लेख कले सेतेबेले मु अनुभव कली जे राज्यर स्वार्थ एवं राज्यर अनेक लोकंकर समस्या जड़ित बजेट ठार आरंभ कर अनेक कथा आलोचना हबार जोटा कि मान प्रकृत स्थान से भाई स्थान में निजक विचार कली और दुख प्रकाश कली कि परवर्त अर्थात मानुंट आप द्वारा गोटे भूल होगा जहाँ आपण मंतव्य को नहीं गोटे दिन विधानसभा बंद हो गला भूल तो कहना गोटे साधारण दृष्टिकोण रु गोटे कथा स्पष्ट करने को हम आपे कौन ये प्रकार स्थान जो स्थान में जो फोरम कहे से फोरम ठीक ना जहाँ प्रति ये शब्द ए प्रकार शब्द प्रयोग कले शब्द प्रयोग अनुचित निजे स्वीकार असांविधानिक शब्द तो नुहे किंतु प्रासंगिक क्रमे ओडिशा विरोध में अनेक प्रकार केन्द्र असहयोग सत्वे ये कथा को उल्लेख करना अनेक बार नीरव रहागला परवर्त समय राज्यर स्वाभिमान सुरक्षा एवं सम्मान प्रश्न जो आसला कारण आप निश्चिंत भाव अनुभव करेंगे तथ्य आपरे थी छत्तीसगढ़ झारखंड भली प्रदेश राज्यर दरिद्रतम तालिकार ओडिशा ठार तले मान्यवर प्रधानमंत्री भाषण प्रसंगे कहला बेले कौ तथ्य आधार कहते झारखंड छत्तीसगढ़ ओडिशा गरीब श्रेणी तालिकार तले
सर्वे जो विजु जनता दल भी डिमांड करथिला जोटा कि केन्द्र सरकार गठन करथिले यूपीए सरकार थिला रघुराम राजन तत्कालीन जे गवर्नर थिले रिजर्व बैंक रो से गवर्नर से तबले नथिले तांको अध्यक्षता रे कमिटी गठन होइथिला जे को राज्य रो कोन स्थिति रहिछि बीमारु राज्य के पछवा राज्य के जो तालिका प्रस्तुत होइथिला ओडिसा थिला सबुठारु पछवा राज्य तापर आ कोन सभ्य सर्वे बहुत हुए जातीय स्तर रे सरकारी स्तर रे हे नाही बते ता परवर्ती समय छत्तीसगढ़ झारखंड भी बदा थिला ओडिसा थिला सबुठारु तले किंतु तापर थाईगिरी प्रधानमंत्री किछि जागा पाइलेनी ओडिसा को ना उल्लेख करिया पय साहस करि परे नै ठीक अछि आपनको विरोध ठीक अछि जदि आपनको लागो छि जे ओडिसा प्रति अपमान हे छि किंतु जो शब्द आपन प्रयोग कले आपन भाबु नाहंती आपन कहउछन्ती ओडिसा को अपमानित कले प्रधानमंत्री किंतु ओडिसा गोडे विधानसभा भली गोडे पवित्र गृह रे जने विधायक जेते बेले प्रधानमंत्री को प्रति एभली शब्द प्रयोग करउछन्ती एवं सारा भारतवर्ष जेते बेले सेता जानु छि ओडिसा रा गरिमा बे से ठीक क्षुण्ण हो नाही कि प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री जिते बड़े कथा छल कहले से अति कम धन्यवाद दबा कथा ओडिशा को जे ओडिशार मु एते राजस्व नौजी दरिद्र अछि मु किछि करि पारुनि अद्यावधि एटरे अन्यान्य समस्या अछि शिक्षार अपव्यवस्था प्रधानमंत्री नै जाउछन्ति राजस्व हां से माने निश्चय केन्द्र सरकार प्रधानमंत्री नौछन्ति निश्चिंत धार नौछन्ति ओके जे स्वीकार करिया दरकार ओके नै गोटे गोटे कथा कहंतु महेश बाबू जे ए मंतव्य आपण कहउछन्ती जो मंतव्य आपण देले सेटा ठीक आपण मंतव्य देथिले से दिन त बाचस्पति बीजेपी बंधु मानकर दाबी क्रमे जे निजको अनुभव कले जे बाचस्पति आपणको स्टैंड कोण आपण ठीक कहउछन्ती प्रासंगिक क्रमे तांकर कार्यकलाप मु त कहले पुरा व्यक्ति को विरोध करेनी किंतु आपण वक्तव्य को विरोध करे आपण व्यक्ति को जहांको जो शब्द आपण प्रयोग कर प्रधानमंत्रीकर जो प्रकार वक्तव्य थिला से निजे बेईमान नहले मध्य बेईमानिया कार्यक्रम करथिले नै आपण किंतु सीधा सळ कहिथिले कार्य कथा सेटि आसिनत नै नै सीधा सळ मु प्रधानमंत्री कोनोसी गट्टी बिधाडी प्रकाश करे नै जे प्रधानमंत्री बेईमान बोली आपण कहिछन्त से रेकॉर्ड आम पाखरे अछि नै हेते से रेकॉर्ड आम पाखरे मु से बाबदर कहि से रेकॉर्ड आम पाखरे प्रधानमंत्री जो प्रकार कार्य तार भी आपण विकल्प शब्द भी बाछिले केवल जो कथा आपण कहउछन्त जेहेतु आपत्तिजनक शब्द गृह जेहेतु विवरण बाद दिया जाए आम से शब्द उच्चारण करने को आम उचित मन करूनु आप जो कथ कहले तार विकल्प शब्द बाछी कहले एक अन रेकर्ड गणमाध्यम को जेहेतु असंवैधानिक शब्द नुहे मु परवर्ती समय विधान जो ओडिया शब्दकोश देखिक लक्ष्य कली जे बेईमान शब्द अर्थ अच्छा अकृतज्ञ कृतज्ञ ए प्रकार शब्द किंतु सांप्रतिक सामाजिक स्थिति रे ए प्रकार शब्द शोभनीय हो पार नहीं ग्रहणीय हो पार नहीं बोली समस्त अनुभव कले किंतु असंवैधानिक शब्द नुहे असंवैधानिक नुहे किंतु ग्रहणीय नुहे एक कथा अपन निजे मध्ये कहउछंती जदि ग्रहणीय नुहे अपन काहे कि जदि अपन प्रथम कहउछन जहा कहिछि ठीक कहिछि एभली कोनोसी असुविधा नै एभली शब्द जदि अपन निज स्टैंड रे ठीक ताले विथड्र करिवार आवश्यक कोन थिला दुख प्रकाश करिवार आवश्यक कोन थिला गुरुत्वपूर्ण विभिन्न प्रकार बजेट संपर्क बहुत प्रकार आलोचना पर्यालोचना अच्छी राज्य यही दरिद्र गरीब समस्त गोटे आलोचनार कहवा पूर्व चिंता करिवार थिला जे गोटे दिन से लस गोटे दिन विधानसभा ए प्रकार शब्द ठारो आहुरी कठिन शब्द व्यवहार करा जाय छे किंतु विजय बंधु माने बोधवे कर्णपात करनाती मुनो कहि दै पारे ओके 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 सुत प्रदीप पुरोहित क्षमा प्रार्थना दुख प्रकाश कले शब्द प्रयोग कले निजे कहउछन्ती दुख प्रकाश मध्य कले ता सत्वे बीजेपी निजे जे भी कहतला राज्य अनेक प्रसंग अछि आमे उठेबू एही प्रसंग रे ही बीजेपी मातिछि क्षमा प्रार्थना करदेले आपण भावुछन्ती जे फेरी आसिबो प्रदीप पुरोहित सुत प्रदीप पुरोहित ना देखंतु मु आपनको खाली कहिया को चाहिबी जी यार जो पृष्ठभूमि अच्छी जे आम बोध हुए ओडिशा विधानसभा इतिहास रे प्रथम थर लगी घटला जे गोटे देशर प्रधानमंत्री को एभली असंवैधानिक शब्द व्यवहार करवा दुई दुई जन मान्यवर विधायक व्यवहार कले एवं जो कथा को लेकर भारतीय जनता पार्टी आपत्ति उठेला एवं जहाँ हेले भी से जो शैली से कहले भी मुझे धन्यवाद देवी पर दुख प्रकाश करड्र कले धन्यवाद दूसरी सन्तुष्ट पुणी विरोध कहीं ना तापरे आम एबे तो आम विरोध करूनु एबे जितेले समाधान हो गला आपण कहउछन्ती क्षमा प्रार्थना करंतु पुनी दाबी करउछन्ती ना आमे क्षमा प्रार्थना को कहनो आमे कहउछु आबे से माने दुख प्रकाश कला परे स्वाभाविक हिसाब रे विधानसभा चली बार थिला किंतु आपण कोन करबे किंतु आज आपण माने ही बंद करले ना आमे बंद करिनु आज आमे जितेले क्षमा जितेले दुख प्रकाश करियो दुई विधायक कहि सैलला परे जितेले बजेट डिस्कशन आरंभ हला कथा कांग्रेस दल रो आपणकर मुख्य सचेतक एवं तांक दल लोक
ବନ୍ଦ ଦେଇଛୁ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ମାନେ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ବି ଆଜି ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଆପଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିଧାୟକ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ମାଇକ୍ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପୋଡିୟମ ଉପରକୁ ଚଢିବାକୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ପରେ ସେ ଘଟଣା ଘଟିନି ପୋଡିୟମକୁ ଆମେ ଯାଇନୁ ପୋଡିୟମକୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଲୋକେ ଗଲେ ଠିକ ଠିକ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା ଯୋଡି ହୋଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ଆମ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଚୁତ ବେହେରା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଛି ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି ଗୃହ ଚାଲିପାରୁନି ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଡି ବସିଛି ନିନ୍ଦା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ନିନ୍ଦା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ବ୍ୟତୀତ କରିଛି ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ସେଥିରେ କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ନୁହେଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବାହାରେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏଥିରେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଛନ୍ତି କାରଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏହା ଜଳ ଜଳ ସ୍ପଷ୍ଟ ମୁଁ ଯେପରି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଇ ଟିଭି ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ଯେପରି ଭାବରେ ଠିକ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଠିକ ସେହିପରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ଅନାହାର ମଧ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ଘଟୁଛି ଯୋଉଟା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଲଜ୍ଜାର କାରଣ ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଚିନ୍ତିତ ଦୁଃଖିତ ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ଭୁଲଟା ଏଇଠି ରହିଲା ମୁଁ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ୟା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଫୋରମ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ରାଜନୈତିକ ମଞ୍ଚ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯୋଉ ଢଙ୍ଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପରିହାସ ତଳରେ କଥାଟି କହିଲେ ସେଇ କଥାଟି ବେଶୀ ଆଘାତର କାରଣ କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଅଛି ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର କଣ ଏକମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଯୋଉଠି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଅଛି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଅଛି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଅଛି ବିହାରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 32.59% ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଥିଲା ବେଳେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ କେତେ ଅଛି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଅଛି 40% 39.93 ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ କେତେ ଅଛି 37.93% ସେ ଦୁଇଟି ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ ସେ ରାଜ୍ୟ ଦିଶିଲା ନାହିଁ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଲା ଯୋଉଠି କହିଲେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାରଣାସୀ ଲୋକସଭାରୁ ଲୋକସଭାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମୁଦାୟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 1,30,00,000 32.59% 2011 ଜନଗଣନା କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 6 କୋଟି ଓଡ଼ିଶା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ 4 ଗୁଣରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ତେଣୁ ସେଠି ସେ କଥାଟା ଉଦାହରଣ ଦିଆଗଲାନି କାହିଁକି ଆପଣ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତକୁ ତୁଳନା ବି କରନ୍ତୁ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଉଛି ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ 4 ଗୁଣ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ଠାରୁ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଏଠି କହିବା କେତେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ ବି ତାଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟା 4 ଗୁଣ ଅଧିକ ସହିତ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା ହେଲେ ତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଅଛି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସାରା ଭାରତରେ ଅଛି ଭାରତରେ ଅଛି ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସେ ତ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା ଏଭଳି ନା ଆପଣ ମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ତାଚଲ୍ୟ ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପରିହାସ ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଗରିବ ନୁହେଁ ଏ କଥାକୁ ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଗରିବ ନୁହେଁ ଏ କଥା ଆମେ କହୁନାହୁଁ ସେଟା ମୁଁ କହିଛି ମୋ ସମୟ ଅପଚୟ କରିବାକୁ ଆପଣ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଦୟାକରି ମୁଁ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ଦରିଦ୍ର ଅଛି ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ତାହେଲେ ମୋର ଆର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହଉଛି ତାହେଲେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ଇଏ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଅଛୁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି କେବିକେ ଯୋଜନା ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ଆଇଏପି ଯୋଜନା ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ବିଆର୍ଡିଏଫ୍ ଯୋଜନା ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ଠିକ ଅଛି ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପରିହାସ ହେଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ପରିହାସ ହେଲା କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ବିଧାନସଭାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପଛରେ ପକାଇ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଏବଂ ବିଧାନସଭାର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପଛରେ ପକାଇବା ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ବ୍ୟଥା ଦେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାର ପ୍ରଧାନ ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ବିରୋଧୀ ଦଳର ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ତ୍ରୁଟି କଲେ ଲୋକେ କେବେ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କହିବା ସହିତ ଦୁଃଖିତ କିନ୍ତୁ ଏ କଥାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଆସିବା ଦରକାର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଦପ୍ତର କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଦଳ କେହି କହିଲେ କି ଆକ୍ଷେପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିନାହୁଁ ପରିହାସ କରିନାହୁଁ କିନ୍ତୁ ତା କୁହା ନଯାଇ ତା ଯଥାର୍ଥ ତା ସମୟୋପଯୋଗୀ ତା ପରିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ ଏକଥା ଯଦି କୁହାଯାଉ ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ ମୁଁ ଏଠି ଗଣେଶ୍ୱର ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି
1938 मार्च मासरे डेलांगरे जितेले प्रधानमंत्री जितेबेले बापूजी आइथिले महात्मा गांधी से कहले जे ओडिसा रे दरिद्रता सबुठ चरम सीमारे से लेखिछन्ति तांको पत्रिका रे भी तांको लागथला बिहार जदि देखा ओडिसा ओडिसा रे देखो एवं तांको लागथला बिहार अंचल चंपारंचल सबुठ दरिद्रतम अंचल किंतु ओडिसा को देखिले परे से कहले जे भारत वर्षर सबुठ दरिद्र अंचल कोटा अछि बेले ताहेले ओ ओडिसा भितरे अछि एवं ता परवर्ती समय रे जेते बेले आपनकर दलर प्रधानमंत्री थिले यूपीए सरकार रे 10 वर्ष लगातार डॉक्टर मनमोहन सिंह थिले 10 वर्ष नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हेबार मात्र 3 वर्ष होउछि संघीय व्यवस्था रे यूपीए सरकार 10 वर्ष भितर राज्यर विकास पई कोन पदक्षेप नेला जेते बेले डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री प्रतिनिधि मंडल ओडिसा रु जाइथिले टंका गछरे फले नाही जेते बेले निजर डिमांड कहिबा पई जाइथिले आपनकर दलर प्रधानमंत्री ए कथा कहिले आपण माने के तार उत्तर देलिने तृतीय रे आज प्रधानमंत्री कथ कहते बालेश्वर रे किसी मस आगु प्रधानमंत्री मीट होता नरेंद्र मोदी आसी जो कथा उत्तर प्रदेश में कहते ठीक से कथा ओडिशार दारिद्रता विषय से वक्तव्य देते बालेश्वर में आउ टे उग्र हिसाब से वक्तव्य देते आप रेकर्ड को खोलिकी देखते बालेश्वर सभार बालेश्वर मीटर प्रतिक्रिया कहीं कले उत्तर प्रदेश मीटर प्रतिक्रिया गणेश बाबू जवाब रखिए गणेश बाबू जो मनमोहन सिंह कहले टंका गछरे फळे कि ओडिसा रा प्रतिनिधि मानुकु कांग्रेस तार स्पष्टीकरण देथिला कि मनमोहन सिंह सेते बळे क्षमा प्रार्थना करथिले कि कांग्रेस निंदा प्रस्ताव आणिया पई प्रस्ताव रखथिला कि विधानसभा रे आदे ये पक्षपात रो अभिजो समस्त को लागिला बळे मते अनुभव लागुछि तबे कथा जे होउछि प्रधानमंत्री एकता कहिथिले बोलिकिरि जा खबर कागज रे प्रकाशित होला कि टंका गछरे फळे नाही गोटे दावी पत्र जा कुआ जाइतला से परिपक्ष रे से कथा कहिथिले बोली कि जा हम जानि नै एटा कोन केवल खबर कागज एतरे सत्यता नथिला एडी अछन्त बिजू जनता दल रो विधायक से कहिबे आपण सुनो को आपण करियो आपण जे सुनिबा धर दो ओके दया कर सुनो आपण जे दया कर सुनो आगे आगे कोंतु उत्तर दउछि सुनंतु प्रथम कथा हला प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 10 वर्षर कथा पचार जंति सुस्त पंडा मु कहिया को चाहे ए 10 वर्ष भितरे जो तीनोटी योजना अढ़ेश कोटी टंका आमर जो केबीके योजना दिगला वार्षिक सी टंका देखा प्रधानमंत्री मानपीए वन एंड टू तापर आई एफ इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान दारिद्रता क्या कहीं कहते हैं 10 वर्ष भितर संघीय व्यवस्था भितर केन्द्र सरकार एत कम करदेला ना दारिद्रता क्या कहीं 10 वर्ष कहीं कहते 10 वर्ष भितर काईकि गणेश्वर भाई जानी योजना कोटी नहीं गोटे नुआ पॉलिसी तैयारी है देखिए 2011 12 जिते टंका केन्द्र सरकार आसुला आप मात्र 15,000 कोटी टंका आसुला एबे आपनकर 50,000 कोटी पाखापाखी आसुची कोटीला कोठी आपन पॉलिसी रे परिवर्तन होई छी ओके 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 ठीक अछि म आसीबे गणेश सर आपन रहबे फोन लाइन ने आरो हरि 50 भाग टंका केन्द्ररु आसुतिला प्रधानमंत्री वक्तव्य डिबेट मुझे गणेश्वर बेहरा चाहिए जदि मोदी मंतव्य को लेकिन प्रधानमंत्री मंतव्य को लेकिन आप कहते राज्यवासी को बाधि निंदा प्रस्ताव आसवा दरकार मनमोहन सिंह जो मंतव्य राज्यवासी को बाधिला भाई ना ना कांग्रेस कहीं समय निंदा प्रस्ताव आणला ना सेतेबेले ए प्रसंग मध्ये उठिथिला सेतेबेले कुआ जायथिला जे ओडिसा रो प्रधानमंत्री जेतेबेले ओडिसा आसीथिले राजभवन रे से कोन कहिथिले से कहिथिले जे ओडिसा रो अर्थनैतिक अवस्था पूर्ण करबा पई कोनसे टंकार अभाव रहिबो नाही एकटा स्वयं आसी प्रधानमंत्री ओडिसा रे ओडिसा राजभवन रे कहिथिले देयर विल बी नो अबने स्वाबी जो देयर विल बी नो शॉर्टेज ऑफ फंड्स टू मीट द डेवलपमेंटल एस्पिरेशन ऑफ स्टेट ऑफ ओडिसा और दिल्ली रे कोन कहिथिले राजभवन रे से कथा कहिथिले दिल्ली रे कोन कहिथिले प्रतिनिधि मंडल को कथा कहिले महात्मा गांधी को कथा सिस्त पंडा कहिले सम्मान्य बड़ भाई के 1921 बचार कथा से कहिथिले चंपारण ने मु दारिद्र देखिथि किंतु ओडिसा रो दारिद्र ताठ रु अधिक किंतु सेहिति से कहिथिले चंपारण ने दारिद्र होची रहत मान अत्याचार शिकार होइछंती कार डिबेट जारी रखा किंतु समय गोटे छोटो ब्रेक र
ब्रेक पर प्राइम डिबेट को स्वागत। शीत महेश साहू आपण जन वरिष्ठ विधायक अभिज्ञ विधायक चार चार थर आप विधानसभा को निर्वाचित हेले गोटे कथा कहतु राजनैतिक मंच में प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री भाव नुहे बीजेपी नेता हिसाब से वक्तव्य देले ताछल्य कले आपको लगुच परिहास कले राजनैतिक मंच में तार जवाब दिंतु विजु जनता दल को जवाब देवाक कहीं मना करना विजु जनता दल दवा जवाब देवाई जवाब मागवाई सब प्रकार अधिकार अच्छी किंतु गृहर समय यहाँ द्वारा बर्बाद हो सम्मान स्वाभिमान ए प्रकार को विचार को आखि आगे रखा जाए चरित्र को जदि आधार करा जाए ताहले ताठारू जो समय नष्ट होची तापेक्षा अधिक क्षतिग्रस्त होई प्रकार मंतव्य प्रधानमंत्री को विरोध करिवार अछि पार्लियामेंट रे विरोध करंतु आपनको दलर तो बहुत सांसद अछंति पार्लियामेंट रे विरोध करा जाउ जोटी कि प्रधानमंत्री को सीधा सड़क से विरोध रो स्वर तांका पाखरे पहुंचिबो किंतु विधानसभा रे विरोध होउछि कांग्रेस करूछि आपण माने करूछन्ति बीजेपी मध्ये ताकु नै विरोध करूछि विभिन्न फोरम अछि पार्लियामेंट रे जत्ते बेले जे विरोध करिया कथा करिवो किंतु ओडिसा वासी को स्वार्थ या द्वारा हानि होउछि ना नै ओडिसा वासी को स्वार्थ हानि हेले मध्ये तापेक्षा अधिक हानि होउछि आमर स्वाभिमान सम्मान ओके प्रदीप बाबू स्वाभिमान सम्मान रो कथा एठी आसुछि एडी देखंतु जदी स्वाभिमान एवं सम्मान रो कथा कहिबा से दिन आमर स्वाभिमान एवं सम्मान कुआडे जेथिला जेते जेउ समरे दानो माझी 12 किलोमीटर ता खंदरे ता स्त्री को धरिकी चली चली गला एवं बाहरिन रो राजाठू पैसा आसिला आमे कहि के मना करलु जे तुम पैसा दियोने आमे सहयोग करिवो बोली से समरे सारा विस्फोर आमे निंदीथिलु अपमानीथिलु नगडा पई आमे सारा विस्फोर निंदीथिलु अपमानित होउछु से समरे आमर मान सम्मान कुआडे जेउछि जे प्रधानमंत्री वक्तव्य दे देले मान सम्मान सब चलीगला ओडिशार लोकंर कि जिते बेले आम निजे ओडिशार लोक आम ये दादन खटि जाऊँ हाथ खटिकी आसूरी जे 12 किलोमीटर गोटे आदिवासी लोक धरिकी कांधे जाऊँ बाहरी राजाठू पैसा आसूरी सारा विस्फोर निंदित हो समय आम कड़े जाऊँ आमर मान सम्मान कड़े गला से समय ये आपको महात्मा गांधी जो कथा कही गणेश्वर भाई जहाँ कहते जे महात्मा गांधी गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा कही ओडिशावासी को जानवर आवश्यक से कहले जो ओडिशार दरिद्रता एठार अधिवासी माने एठार अधिवासी माने दायी जदि ओडिशार अधिवासी माने से समय दायी हेले 1947 पर जिते सरकार आमे सरकार को दायी करिवा ना आ सबुठू बेसी समय किए राज्य को शासन कला देश को कांग्रेस दल शासन कला कांग्रेस दल निजर उत्तरदायित्व बाहरी जब जदि राज्यर दरिद्रता अच्छी ए राज्यर विकास हो पारे ना ए राज्य आम पछुआ राज्य कांग्रेस दल सब 50 वर्ष कांग्रेस दल शासन कले किंतु जो कथा गणेश्वर बाबू कहले आम सहित मध्ये अछंती गणेश्वर बाबू जहाँ तांकर कहिबार कथा प्रधानमंत्री परिहास छल रे कहले ए कथा ना प्रधानमंत्री आम खुशी हेबा कथा जे जड़े देशर प्रधानमंत्री आमर राज्यर से को भाषा रे कहले से स्पष्ट हिसाब से कहले रेकर्ड जी गणेश्वर भाई देखिथे कहले गरीबी जिला ओडिशा गरीबी कही ना जदि कौटी बेस गरीबी जिला देखार अच्छी ओडिशा को जाओ देख आम राज्य में गरीबी जिला नहीं कि जदि गरीबी जिला बोली कही आम अपमानित हो गला आम स्वाभिमान प्रति आंच आसीगला और ये नगड़े आम स्वाभिमान आंच आसानी दान माझी स्वाभिमान आंच आसानी एक गोटे उत्तर प्रदेश गोटे निर्वाचन सभा कह जगह मिलला एवं जदि प्रधानमंत्री बोली निजी बेचना करुँच पकेट्रे पद्म फूल धरिकी भाषण देवार भारत बर्ष प्रधानमंत्री निर्वाचन सभा से प्रचार कले जन प्रधानमंत्री प्रचार कर गला बेले कौन सी प्रधानमंत्री ओडिशार मुख्यमंत्री भी प्रचार कर भारत वर्ष प्रधानमंत्री अनेक जगार प्रचार कर जानी जदि आज नगड़ा कथा कहुचे नगड़ा संपर्क राज्य सरकार पदक्षेप नहीं तीन घंटार बाट को 30 मिनट कराला जदि दानमाझी कथा कह जाए तो दानमाझी घटना शुनि सारापर अनेक दानमाझी को महाप्राण योजना रे बे मतलब व्यवस्था करा गला पूरे व्यवस्था करा गला महेश भाई नरेंद्र निंदी थे एक कथा कहंतु नरेंद्र मोदी जदि विश्व दरबार रे हमें अपमानित थला ना दानमाझी घटना रे मंत्री नरेंद्र मोदी एते जदि मंतव्य दबार थिला ता पूर्वरु दारिद्र दूरीकरण पई किछि व्यवस्था करथांते ओके ता परे जते बळे गरीब गुरुबांक पई किछि इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड डेवलप राज्य सरकार का पई योजना करथांते 17 वर्ष भीतर जानी सुनी उद्देश्य 17 वर्ष भीतर हमें कोन केंद्र सरकार हमें उत्तरदायी हेबा ना राज्य सरकार 90% थला 10% थला राज्य सरकार जो कथा उठू ठीक अच्छे कहते हास्यास्पद कथा जदि प्रधानमंत्री राजनैतिक मंच में कहते राजनैतिक जवाब दि जाऊ विधानसभा गृह को समय को कहीं बर्बाद कर स्वार्थ को कहीं उपेक्षा कर
ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ଆକୁ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାହତ ହେଇଛି ସେଇ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ତାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହବ ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାଭିମାନ ପ୍ରତି ଆଘାତ ହବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉ। ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ନିର୍ବାଚନ ଶ୍ରୀତ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା ଶ୍ରୀତ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା ଆପଣଙ୍କ ଦଳ କହିଥିଲା, ଶ୍ରୀତ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା ସମୟ କମ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଦଳ କହିଥିଲା ପାଣି ସମସ୍ୟା କଥା ଉଠେଇବ, ଆପଣଙ୍କ ଦଳ କହିଥିଲା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କଥା ଉଠେଇବ, ନିର୍ବାଚନ ହିଂସା କଥା ଉଠେଇବ, ସେଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା ନା ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଦଳ ବିଧାନସଭାକୁ ସମୟକୁ ବରବାଦ କରାଯାଉଛି, ମୁଲତବୀ କରାଯାଉଛି? ଆପଣ ବରବାଦ ଶବ୍ଦଟା ଆପଣ ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଶବ୍ଦଟିକୁ ବରବାଦ କରାଯାଉ ନାହିଁ, ଏକ ଉଚିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ସମୟୋଚିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ ଆଘାତ ଦେଇଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରାଗଲା, ବ୍ୟତୀତ ଦଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାରି ହେଉଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷେତ୍ର। ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ କ୍ୱିକଲି ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ, ସାରିବା ଡିବେଟ ସାରିବା। ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜ୍ୟର ଦରିଦ୍ରତା ପାଇଁ ଦାୟୀ, ବିଶେଷ କରି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏବଂ 17 ବର୍ଷ ଧରିକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଶାସନରେ, ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ବାଧି ଯାଉଛି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ବାଧୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଲୁଟେରା 1,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖଣି ପଇସା ଲୁଟ କରିଛନ୍ତି, 50-55 ଶାସନ କରିଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଦାୟୀ ଦେଶର ଦରିଦ୍ରତା ପାଇଁ, ମନମୋହନ ସିଂହଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ପଦେ କହିଲେନି ଆପଣ, କୋଉଠି ଥିଲେ? ଏ କ୍ଷଣିକ କ୍ଷଣିକ ବିଜୟରେ ଏତେ ଉଲ୍ଲସିତ ହେଇ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ପ୍ରତି ଆପଣ ଏତେ ଅଚେତନ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ କିଏ ଭୁଲି ଯାଉଛି, ଓଡ଼ିଶା ବିରୋଧୀ କିଏ, ଜନତା ସେଟା ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଶ୍ରୀତ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା, ଶ୍ରୀତ ମହେଶ ସାହୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀତ ପ୍ରଦୀପ ରୋହିତ। କିଏ ଓଡ଼ିଶା ବିରୋଧୀ, ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ କିଏ କିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଭୁଲି ଯାଉଛି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବିଚାର କରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଦଳ ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସହିତ ଖେଳୁଥିବ ଏବଂ ଯଦି ପରିହାସ କରୁଥିବ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଦାରିଦ୍ରତାକୁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜନତା ତାର ଜବାବ ଦେବେ। ଆଜି ନୁହେଁ, ନିର୍ବାଚନ ସରିଯାଉନି, ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଜନତାଙ୍କ ହାତରେ ଦଳମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରାଇମ୍ ଡିବେଟ୍ କୁ ଏଠାରେ ଥିଲା, ନମସ୍କାର।